ऐसा कैसे हो सकता है यार, मैं तो अभी जिंदा हूँ। रो, अच्छे से रो ले, और जोर जोर से फूट फूट के रो ले, समझी तू? भास्कर, I'm telling you भारती, भास्कर मरा तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म। अरे जब मैं मरूंगा ना तो भी मैं इससे ज्यादा गोरा चिट्टा, इससे एक बाइसेप से ज्यादा अच्छा तो मेरे बाइसेप अभी है अभी। पहले औरत, फिर बहन, फिर पत्नी, फिर बहू, अब विधवा। क्या ये दुख तुम्हारे ना होने के दुख से छोटा है? चाहे हम किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हों, चाहे हम कितने भी अकेले हों, चाहे हम उन्हें कितना भी डिसअपॉइंट कर लें, लेकिन एक सहारा है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, और वो है माँ बाप का। जी हाँ लिसनर्स, चाहे हम कभी भी लाइफ में मुड़कर पीछे देखें तो हम अपने माँ बाप को वहीं पाते हैं, अपनी बाहें फैलाएं हमें गले लगाने के लिए, हमसे बिना कुछ मांगे सिर्फ हमको देने के लिए। चाहे हम उन्हें कुछ दें या ना दें, चाहे हम उनका सहारा बने या ना बने, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, माँ बाप अपने सपनों को छोड़कर अपने बच्चों के सपने को ही अपना सपना बना लेते हैं, और फिर वही बच्चे धीरे धीरे अपने आप को अपने माँ बाप से अलग कर लेते हैं, और धीरे धीरे अपने सपनों को भी, और वो बेचारे माँ बाप वहीं खड़े रह जाते हैं बिना किसी सपनों के, बिना अपने बच्चों के, और बिना ही किसी चाह के। तो रेडियो गागा लिसनर्स, मैंने तो बहुत बोल दिया, लेकिन अब आप लोगों की बारी है। जल्दी से अपने फोन उठाइए और हमको अपनी राय बताइए कि कब बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि उनको अपने माँ बाप का घर छोटा लगने लग जाता है और उनका प्यार जरूरत से कम। तो जल्दी से अपने फोन उठाइए और अपनी राय हमें फोन करके बताइए। ओके, तो ये गाना आपके लिए। भारती, भारती बेटे, भारती बेटे, वो डॉक्टर, डॉक्टर को फोन करो बेटा। पर हुआ क्या? सुधा, सुधा की तबीयत बहुत खराब है, वो उसे सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही है बेटे। आप माँ के पास जाइए, मैं डॉक्टर लेकर आती हूँ। सुधा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सुधा, सुधा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो डॉक्टर, डॉक्टर आ रहा है। सुधा, डॉक्टर आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ जी? ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? क्या पाप किया था हमने? कौन सी कमी रह गई मेरी श्रद्धा में? कितनी मिन्नतें मांगी थी, व्रत रखे थे, अगर कोई गलती हो गई थी तो मुझे उठा ले तो मेरे जवान बेटे को। जब वो पैदा हुआ था ना, तो दाइमा ने उसे यहाँ मेरे पास लेटाया था। छोटा सा था, छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी उंगलियां, सारा दिन बिस्तर पर रोता रहता था, और जब अपनी गोदी में ले लेती थी तो चुप हो जाता था। मैं तुझे रोने नहीं दूंगी लल्ला, आजा, आजा मेरे पास वापस आ जा लल्ला, आजा। सुधा। हाँ, सुधा, सुधा। ठीक ऐसे ही वो मुझे पुकारता था, चिढ़ाता था मुझे, आपकी नकल करता था। सुधा, अपने बेटे को ना बिगाड़ना मत, उसे इतना लाड मत करना, बिगड़ जाएगा वो। और मैं उससे कहती थी, नहीं, मैं अपने बेटे को ना और लाड करूंगी,
मेरा बेटा बिगड़ने वाला नहीं है, झट से आकर मेरे गले से लिपट जाता था वो। अब तो ये हाथ खाली, इनकी हालत काफी क्रिटिकल है और लगता है इन्हें कोई गहरा सदमा पहुंचा है और वीकनेस भी काफी है। अगर इन्हें प्रॉपरली केयर नहीं किया गया तो इन्हें क्लिनिकल डिप्रेशन हो सकता है। ये सब तेरी वजह से हुआ है भास्कर, तेरी वजह से माँ इस हालत में है और हो सकता है कि तेरी वजह से माँ, नहीं कुछ भी हो भास्कर को जिंदा होना ही पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, इतनी मुश्किलों से हमने सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी है और तुम फिर पंगा डाल रहे हो यार, हद होती है। मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें कुछ नहीं पता? तुम्हें कुछ नहीं पता का क्या मतलब होता है? हाँ, तुम्हें ये नहीं पता कि सबके सामने हम भास्कर भारती का अंतिम संस्कार कर चुके हैं, या फिर तुम्हें ये नहीं पता कि अकॉर्डिंग टू द लॉ कानूनी तौर से भास्कर मर चुका है, या फिर आपको ये नहीं पता जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि अगर हम सबको बोलते हैं कि भास्कर भारती जिंदा है, भास्कर भारती जिंदा है, तो उसको कहां से पैदा करेंगे? हाँ पायल, मुझे सिर्फ इतना पता है कि माँ की तबीयत खराब है और माँ की तबीयत ठीक करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, भास्कर को वापस लाना। करो जो करना है। हाँ, 11 अक्टूबर रात 8 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर रब ने बना दी जोड़ी का वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है, प्लीज जरूर देखिए, बहुत ही प्यारी फिल्म है। चल मैं रखती हूँ, सर आ गए। हाय सर, कैसे हैं सर आप? सर सर सर, क्या हो गया ना सर आपको, आप ऐसे काहे को चल रहे ले? ये कुछ बोल रही है क्या? अरे ऐसे काय को कर रहे हैं? तो मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा भाई? मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? मैंने कान में ये ईयर प्लग लगाया हुआ था इसलिए सुनाई नहीं दे रहा था, मैं तो डर गया था। सर आपने कान में ये बुच्चन काय के लिए डाले? क्योंकि कोई ऐसा बुच्चन नहीं आता जो मुंह में ठोसा जा सके, ताकि करोला चुप रहे। रात भर चपड़ 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 करती रही, सोने नहीं दिया था मुझे उसने। सर आप ना ये बारे में जल्दी ना जल्दी कुछ कीजिए, वरना मेरे को तो लगता है आप तो हमेशा के लिए सोने वाले हैं। मंजूर है, अगर एक बार, बस एक बार उसके पहले मैं करोला को बैम्बूजल कर सकूं तो। वो क्या होता है? वही जो आजकल करोला ने मुझे किया हुआ है, बैम्बूजल, बैम्बूजल। हाय सर। आइला, ये करेला अभी आई लिए तो सर की ये हालत हो गई है, 4 दिन और रहेगी तो देवा रे देवा।
सर को क्या हुआ? बैम्बूजल। भास्कर एक बार दोबारा सोच लो, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। मुझे जो सोचना था मैंने सोच लिया, अब करने का वक्त है। कॉल। दवाई दे। भारती कहाँ है? वो बाजार गई है कुछ सामान लाने। उसने कुछ खाया भी है या नहीं? अरे वो हमारा ख्याल रखने में इतनी उलझी हुई है कि अपने आप को ही भूल गई है। कैसे कटेगी ये पहाड़ जैसी जिंदगी? इतनी कम उम्र में भी तो हेलो प्रणाम बाबूजी। कौन कौन बोल रहा है? अरे बाबूजी मैं आपका बेटा बोल रहा हूँ, आपने मेरी आवाज नहीं पहचानी? बबलू। क्या गंदा मजाक है ये, कौन बोल रहा है? बाबूजी आप हमेशा मुझे डांटते क्यों रहते हैं? मैं आपका बबलू बोल रहा हूँ, आपका बेटा भास्कर। मुझसे वादा कर तू आएगा, वादा कर, वादा कर। बाबूजी आप हमेशा मुझे डांटते क्यों रहते हैं? मैं आपका बबलू बोल रहा हूँ, आपका बेटा भास्कर। मगर तू तो गुजर गया था ना। बाबूजी मैं जिंदा हूँ। मैं तो जिंदा हूँ। सुधा भास्कर। बबलू भैया पर ये कैसे हो सकता है? वो लाश, वो अंतिम संस्कार। मुझको कुछ नहीं मालूम, मैं तो यहाँ ऑफिस के काम से हूँ असाइनमेंट पर, मुझे तो कुछ भी मालूम, मैं तो जिंदा हूँ बाबूजी। भास्कर बेटा तू जिंदा, बेटा तू अभी इसी वक्त मेरे पास आ जा, तू अभी आ जा। नहीं माँ, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, मुझे बहुत काम है। अरे माँ से जरूरी काम है क्या? हाँ? देख अगर तू मुझसे सच्चा प्रेम करता है तो अभी इसी वक्त मेरे पास आ जाएगा। आ जा ना बेटा, कल करवा चौथ है, अगर तू नहीं आया ना तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। आ जा ना बेटा, आ जा ना, मुझसे वादा कर तू आएगा, वादा कर। मैं आऊंगा माँ, मैं कल जरूर आऊंगा। कैसे? तुम माँ से कहो कि मैं कल आऊंगा। हाँ माँ, मैं वचन देता हूँ, मैं जरूर आऊंगा, मैं कल आऊंगा। नहीं सर, हम आपको नहीं करने देंगे सर। मिस्टर पालन आ रहा है आप हमारे सर, सर दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते सर। छोड़ो मुझे, छोड़ो, बैम्बूजल कर रखा है उसने मुझे। ओ सर, करोला मैम ने आपको इतना डिप्रेस किया हुआ है? हाँ भाई हाँ,
तो सर इसका मतलब आपके और करोला मैम की जोड़ी वो रब ने बना दी जोड़ी वाली नहीं है? That reminds me, 11 अक्टूबर को रात 8 बजे सोनी एंटरटेनमेंट चैनल पर रब ने बना दी जोड़ी आ रही है। क्यूट फिल्म हाँ? हाँ? हम दोनों इकट्ठे मिलके देखें। हेलो मैं अपने प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ और तुम लोग पिक्चर देखने की बात कर रहे हो? सॉरी सर तो हम कहाँ थे? हाँ आपको करोला मैम ने डिप्रेस किया हुआ राइट? इसीलिए आप अपने आप को मारने वाला थे सर? ओहे मैं खुद को नहीं मारने वाला था, मैं तो करोला को मारने वाला था। करोला को रात भर चबड़ कर कितनी भड़का लिया उसने मेरा। बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया मैंने अपने आप को, इसलिए बंदूक ऑफिस से आया गोलियां निकाली ताकि मैं उसे मारू नहीं। लेकिन प्लास्टिक सर्जन? ताकि उसके मुंह में पट्टी बंध जाए और वो बक 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 करना बंद कर दे। अभी उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई है तो मुझे नहीं लगता कि अगले 6 महीने तक कोई और सर्जरी कराएगी वो। क्या मतलब कि वो 6 महीने तक मेरा दिमाग खाएगी? तब तो मुझे खुद पे मार लेना चाहिए। नहीं 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 अगर अगर हम करोला मैम को ये यकीन दिखा दें कि उनका फेस खराब हो चुका है। That's wrong. और उनके फेस पर रिंकल्स आ चुके हैं और उन्हें एक और प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है। तो फिर वो डायरेक्ट लंदन की फ्लाइट पकड़ेगी yes. और अपने प्लास्टिक सर्जन के पास ले जाएगी। Exactly. प्लास्टिक सर्जरी करवाने yes. और मैं यहाँ फ्री हो गया। सुनते हो जी, आपने हार वाले को फोन किया कि नहीं? आ, क्या? मुझे आपको एक खुशखबरी सुनानी है। पहले मैं नहीं, पहले मैं, मेरे पास उससे भी अच्छी खुशखबरी है। अच्छा ठीक है, पहले आओ। ले अपनी मांग भर दे। हमारा भास्कर जिंदा है भारती, तो विधवा नहीं है, हमारा भास्कर जिंदा है। मैं भी आपको यही खबर सुनाने वाला था। हाँ बहू हाँ, भास्कर जिंदा है। अरे जिंदा है हमारा भास्कर, अभी अभी उसने फोन किया था। वो तो कमबख्त अभी उसी असाइनमेंट पर लगा हुआ है। भाभी भाभी भाभी, और पता नहीं वो लाश किसकी है। अरे चुप कर, हमारा भास्कर जिंदा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तू ये ऐसी बातें कर रहा है? हमारा भास्कर जिंदा है भारती, हमारा भास्कर जिंदा है। भारती, भास्कर का आना या ना? अरे हाँ, कल करवा चौथ है ना, इस बार हम करवा चौथ धूमधाम से मनाएंगे, सबको बुलाएंगे। और हाँ, यहाँ पर नहीं करेंगे, कहीं और से जाएंगे। इतने सारे लोग इस घर में कैसे आएंगे? अरे खुशी के मारे मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा। अरे सुधा सुधा, तुम जो कहोगी हम वैसा ही करेंगे। बिल्कुल जैसा तुम चाहोगी ना वैसा ही होगा। हाँ ताई जी, आप जैसा कहेंगी वैसा करेंगे और मैं पूरा साथ दूंगा आपका। ठीक है। अरे हाँ खुशी में मैं एक और बात बताना तो भूल ही गई, कल भास्कर आ रहा है करवा चौथ पर, उसने मुझे वादा किया वो जरूर आएगा। भारती तू ये सफेद कपड़े निकाल के फेंक दे, अपने मांग में सिंदूर भर, मंगलसूत्र पहन, खूब सच तो। अरे मैं क्या क्या बोलने जा रही हूँ, इतना सारा काम बाकी है। चल चल चल, मेरे साथ यहाँ खड़ा है तू। अच्छा पता है पाया, जब मैं भास्कर था ना तब मैंने माँ बाबू जी को कई तोहफे दिए, कई चीजें दी, पर भारती बनने के बाद जो मैंने खुशियां दी है ना, मुझे नहीं लगता मैंने लाइफ में इतनी सारी खुशियां दी होंगी। तो तुम्हें लगता है कि इतनी बड़ी खुशी तुमने अंकल आंटी को कभी नहीं दी? ओके तो तुम्हें क्या लगता है कि ये खुशी कितने दिन रहने वाली है? कल तक? जब अंकल आंटी को ये पता चल जाएगा कि भास्कर नहीं आने वाला। भारती, भास्कर का आना या ना आना तुम्हारे हाथों में नहीं है।
है।